ललन भैया पे माता रानी की असीम कृपा है, और सही बात है ये हमेशा से है। और हम लोग जब भी मिलते हैं ललन भैया एक अलग ही रूप में नजर आते हैं, एकदम साक्षात माता रानी का पूरा हाथ आपके ऊपर है। तो भैया हाल ही फिलहाल कैंसर को हरा के आए हैं। भैया मैं माता रानी से चाहूंगी कि आपको मेरी उम्र लग जाए और आप ऐसे ही आजीवन हंसते रहिए, क्योंकि आपने हजारों लोगों का भला किया है, करोड़ों लोगों का भला किया है। और कहते हैं ना कि पुण्य कहीं जाता नहीं है भैया, पुण्य कहीं जाता नहीं है, वो आपको मिलना ही मिलना है। ये जो पुण्य है वो आप कमाए हुए हैं, इसलिए वो कभी आपको कुछ हो ही नहीं सकता, आपको हमारी उम्र लग जाए, है ना। वो एक एक बड़ा प्यारा गीत है, हो हसला भाग हमर जाग जाए कि जा हमरो मां, अरे भैया के लाग जाए कि जा हमरो मां, भैया के लाग जाए। और हारे के सहारा है मेरी जो माँ है, माता रानी से सभी को प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। आइए एक भजन माता रानी को धन्यवाद देते हैं। पूर्व मैंने लगभग 4 साल पहले एक बार इसी तरह का प्रॉब्लम मुझे हुआ था, और पता नहीं इस बार मैं इस जागरण में कैसे हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। 6 कीमो के बाद बिल्कुल राम जी की दुआ है मेरे पे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, और कहीं ना सबका आशीर्वाद है मुझे। क्योंकि मैंने जब डॉक्टर से बात कर रहा था तो मुझे निश्चित तौर पे रामलीला की चिंता लगी थी, और मैं डॉक्टर से बोला कि क्या सर इतना तारीख से इतना तारीख तक रामलीला होता है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आप जरूर जाएंगे और हम मिला करेंगे, और कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद था और आप सबका प्रेम कि मैं आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा भैया को आप सभी एक बार और प्यारा आशीर्वाद, अपना स्नेह दीजिए, और हमारी भाभी आप रोइए नहीं, बस मेरे साथ एक ही चीज गाइए, भैया कॉर्ड दीजिएगा। माता जिनको ललन भैया का हाथ ये मेरे सर पे था, और भैया ने ही कहा था कि रामलीला समिति तुम्हें गोद लेता है, तो इस बच्ची को अनाथ करके कैसे कहीं कोई जा सकता है। हम भी तो आप ही के बच्चे हैं ना, एक बार मेरे साथ मिलके दोनों हाथ उठा के चलो बुला दोनों हाथ पर खड़ा करके आंसू पोंछ के और मिल के गाइएगा चलो बुला।
मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है। भैया मेरी भाभी का नाम इंदु है ना, हाँ। ये मेरी मम्मी का नाम है, तो वैसे भी भाभी माँ समान होती। मैंने तो भैया को बोला कि आपने जब मुझे गोद ले लिया तो अनाथ करके तो कोई जाएगा नहीं, और ऊपर वाला सबको देखता है कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। और चाहेंगे मंच पे जितने लोग बैठे हैं सभी माता रानी का धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ जाके मेरे साथ चलो बुला आया है माता बुला। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है कि मस्त हवाओं का एक झोंका। धन्यवाद। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है। अब बोल दीजिए चलो बुलावा आया है कि चलो बुला ले लो अनुपमा ले लो मंटोजी से पुरस्कार माता ने बुलाया मेरा दिल में चलो बुला दरबार की जय। फिर जब हम लोग विथ फैमिली जब 25 तारीख को इंदु भाभी जब वैष्णो माता पहुंचा जाएगा ना तो एक ही चीज गाया जाएगा। हम तो मुझे तो टाइम जल्दी जल्दी नहीं मिलता, भैया के साथ एक बार दर्शन किए थे, लेकिन आपके साथ जब चलेंगे ना तो सभी मिलके जब चलेंगे चढ़ाई करेंगे तो मैं जो गाऊंगी वो सभी गाएंगे गाएंगे ना, तो मैं चाहूंगी एक बार दोनों हाथ उठाकर जब दरबार में हम सब पहुंचेंगे तो एक ही चीज गाएंगे कि तूने मुझे बुलाया शेरावालिए मैं आया शेरावालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरावालिए मैं आया शेरावालिए हो जोजा वालिए हो लाडा वालिए हो जोजा वालिए हो लाडा वालिए हो मेहरा वालिए शेरावालिए मैं आया शेरावालिए।
शेरावालिए हो मैं आया शेरावालिए कि अपने गले लगाया शेरावालिए मैं आया शेरावालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरावालिए सच्चे दरबार की दुर्गे मैया की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की अपने अपने माता पिता की और हमारे भैया की इस मुस्कान की वाह।